नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कारागार के कैदियों ने पीपी किट तैयार की है। ये पीपी किट वॉशेबल होगी और 3 बार यूज की जा सकती है। कम पैसों में इस किट को तैयार कर कैदियों ने अन्य स्थानों के कैदियों के लिए एक अच्छा संदेश भी दिया है। अधिकारियों ने बताया कि कैदियों के द्वारा 30,000 से अधिक मास्क भी बनाए गए हैं, जिनका प्रयोग जिला कारागार और बाहर भी किया जा रहा है। जो कारागार की क्षमता है 511 की है, जिसमें आज की डेट में 1305 बंदी निरुद्ध हैं। इनमें से जो कुशल बंदी हैं, जो टेलरिंग का काम कर लेते हैं, करीब 12 बंदी लगे हुए हैं जो मास्क और पीपीई किट बना रहे हैं। कोविड-19 लॉकडाउन में शराब की दुकानों को खोले जाने के बाद लोगों के हिंसक होने की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां पर एक शराबी पिता ने अपने 3 साल के ही बेटे को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बच्चे की मौत के बाद से आरोपी पिता फरार है। कल नगला गांव में सुभाष बंजारा नाम का व्यक्ति शराब पीकर अपने घर पे आया था और अपनी पत्नी से अंडे बनाने की जिद करने लगा। पत्नी ने मना कर दिया, इस बात पर पत्नी के साथ मारपीट किया। बच्चा बीच में आ गया तो बच्चे को भी मारा पीटा और घर से चला गया। बच्चे की तबीयत रात में ख़राब हुई, बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह 6 बजे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे का नाम विनय है, जिसकी उम्र 3 साल। चित्रकूट में राजापुर थाना क्षेत्र में बयाना पुरवा गांव में लगी भीषण आग में एक महिला जिंदा जल गई, तो कई लोग मामूली रूप से झुलस गए। आपको बता दें कि देर शाम को आंधी तूफान के चलते चिंगार की वजह से पूरे गांव में आग लग गई थी और देखते ही देखते पूरा गांव आग की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से 47 घर जलकर खाक हो गए। काफी घंटों के बाद भी दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाई। गैर प्रदेश से अपने जिले में पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों की दशा और भी दयनीय होती जा रही है। एक तरफ सरकारें प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के तमाम दावे कर रही हैं, लेकिन महोबा जिले की मध्य प्रदेश सीमा में 5,000 से अधिक प्रवासी मजदूर यूपी में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ पहुंचे कामगारों को देख जिला प्रशासन भी सकते में है। UP-MP बॉर्डर के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हम आए वासी नबी मुंबई से, हमको फतेहपुर जिला जाना, हमको 4 दिन हो गया निकल के वहाँ से। हमको रास्ते में MP में खाने को मिला, महाराष्ट्र में वो भी नहीं मिला। महाराष्ट्र में हम 45 दिन से हमको कोई सेवा नहीं मिली। जब हम घर से पैसा मंगाए बैंक में कि पैसा भेज दो, हम पेट्रोल गाड़ी करके अपना रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा, पेट्रोल गाड़ी करके हम अपने घर पे आ जाएंगे, बीवी बच्चों के साथ रहेंगे। यूपी के कौशाम्बी पिपरी थाना क्षेत्र में एक मूकबधिर किशोरी के साथ पड़ोसी युवक ने दुराचार किया। अगले दिन जब युवक किशोरी को उसके घर के पास छोड़कर भाग रहा था, तो ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। किशोरी ने युवक पर दुराचार का आरोप भी लगाए हैं। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। में एक नाबालिग युवती के साथ बलात्कार की सूचना प्राप्त हुई थी, इस पर पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया और जो मुलजिम है उसको हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।